और अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का है, तो आइए शुरुआत करते हैं। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी देंगे भाषण। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला, सीडब्ल्यूसी का नहीं होगा चुनाव, अध्यक्ष खड़गे को गठन का अधिकार। अधिवेशन में शामिल होंगी सोनिया गांधी, सोनिया और राहुल गांधी पहुंचे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल समेत बड़े नेताओं ने किया स्वागत। अधिवेशन को लेकर सचिन पायलट ने कहा, अधिवेशन से मजबूत होकर निकलेगी कांग्रेस यहां से, 2024 के लिए एनडीए सरकार का रिवर्स काउंटडाउन शुरू। कब्र वाले बयान पर पवन खेड़ा ने कहा, पीएम अटपटी बात कहते और सुनते हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आते। एमसीडी चुनाव में हंगामा जारी, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव की काउंटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्षद भिड़े, लात घुसे चले चप्पलें चली। अब दिल्ली में उपराज्यपाल के आदेश को मानने से पहले अधिकारी मंत्रियों को देंगे जानकारी, केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली के सीएम की अधिकारियों को दी हिदायत पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, केजरीवाल की सोच अराजकतावादी, वो कानून को नहीं मानते। आज पीएम मोदी कर्नाटक के सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम। आज यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा, सुबह 11 बजे सदन में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के कैमूर में आज किसान महापंचायत, 2 दिन के महापंचायत में राकेश टिकैत और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह होंगे शामिल। आज थम जाएगा मेघालय और नागालैंड में प्रचार का शोर, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में लगेगा विश्व पुस्तक मेला, 5 मार्च तक चलेगा, मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स आज भारत आएंगे, ओलाफ का ये पहला भारत दौरा, आज दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल, इस बार गाउन में नहीं भारतीय परिधान में दिखेंगे छात्र। मेघालय की रैली से विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा कुछ नेता माला लेकर जप कर रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने लगाए थे कब्र वाले नारे, दिल्ली एयरपोर्ट पर दिया था धरना। नागालैंड की रैली में पीएम मोदी पारंपरिक अंदाज में आए नजर, टोपी के साथ भाला और ढाल को भी ग्रहण किया। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और नागालैंड में मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार, दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोटिंग, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। मेघालय के तुरा में पीएम मोदी के लिए दिखा क्रेज, 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ आई नजर। कुल जनजाति महाकुंभ में अमित शाह ने कहा, पंजे की सरकार ने जनजाति की योजनाएं बंद की, पीएम मोदी ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह सतना में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना। सिख समाज के किसान संगठन पर जेपी नड्डा बोले, पिछली सरकारों ने किसानों को दिया धोखा, जबकि मोदी सरकार ने किसान निधि सम्मान दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, पैसा जमीन में गाड़ दो, बैंक में मत रखना, मोदी सरकार ने किया है बैंक घोटाला। राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा, कहा नीतीश कुमार के चक्रव्यूह से बाहर आया। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा बजरंग दल और वीएचपी पर सरकार लगाए पाबंदी, 15 दिन बाद संसद का घेराव करेंगे मुस्लिम्स। चुनावी राज्य कर्नाटक में वोटरों को लुभाने के लिए गिफ्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं को कुकर बांटे। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी महासचिव सीटी रवि के खिलाफ प्रदर्शन किया, मांस खाकर मंदिर जाने का आरोप लगाया। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा बजरंग दल और वीएचपी पर सरकार लगाए पाबंदी, 15 दिन बाद संसद का करेंगे घेराव। मौलाना तौकीर रजा पर साधु संतों का गुस्सा फूटा, संत शिव योगी मौनी महाराज ने तौकीर रजा को आतंकवादी करार दिया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एनएसए लगाकर जेल भेजा जाए। अग्निवीर पर बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कोई भी सेना को गाली ना दे। बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव को नित्यानंद राय ने कहा देशद्रोही, सीएम नीतीश से की मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। अखिलेश यादव ने यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार पर कसा तंज, कहा विदेश गए मंत्री केवल एमओयू साइन करवाते हैं, किसानों को नहीं दी जाती सही कीमत। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने गया युवक 4 दिन से गुमशुदा, मानसिक रूप से कमजोर युवक का पता बताने वाले को 5,000 के इनाम का भी किया गया है ऐलान।
यूपी में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या, एक गनर की जान गई। केस में पूर्व सांसद अतीक अहमद हैं आरोपी। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर में एक्शन, पुलिस बाहुबली अतीक अहमद के दो बेटों समेत घर से 7 लोग पकड़े गए। अमृतसर के जेल से रिहा हुआ लवप्रीत तूफान, तूफान की रिहाई के लिए ही कल खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे ने किया था हिंसक प्रदर्शन। गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल ने हजारों समर्थकों के साथ हमला किया था, पुलिस पर एक्शन ना लेने का आरोप लगा। अमृतसर हंगामे पर पंजाब पुलिस की सफाई, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब लाया था इसलिए एक्शन नहीं लिया। पंजाब के गृह मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा उन पुलिस वालों को सलाम जिन्होंने कल के हंगामे में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क किनारे खड़ी 3 बसों को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, दुर्घटना की शिकार हुई बसें, अमित शाह की सतना रैली से लौट रही थी बसें। हादसे की खबर मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घटनास्थल पर पहुंचे, रीवा मेडिकल कॉलेज में जाकर सीएम ने घायलों का हाल जाना। इस दुर्घटना के में कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, 9 लोगों की हुई मौत, 70 से ज्यादा घायल, रीवा मेडिकल कॉलेज में 39 लोग भर्ती। बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नासिर और जुनैद के भिवानी हत्याकांड में खुलासा, बरामद स्कॉर्पियो कार हरियाणा पंचायत राज विभाग के नाम है। उदयपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया, पुलिस प्रशासन ने कहा मूर्ति दोबारा बना रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति पर शिकंजा, संदिग्ध आतंकी अब्दुल माजिद लोन की संपत्ति को सीज किया गया। मोहाली में तलवार से एक युवक की 4 उंगलियां काट दी गई, हमलावरों ने वीडियो भी वायरल किया, केस दर्ज, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक है। मार्च तक सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड 3 दिन और बढ़ी, सुकेश बोला मैं जैकलीन के साथ, उसे डरने की जरूरत नहीं। एयर इंडिया के विमान की तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ के दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, 168 पैसेंजर सऊदी जा रहे थे, सभी सुरक्षित। केरल में छात्र को कमरे में बंद करने वाली महिला प्रिंसिपल को हटाया गया, खराब पानी की शिकायत करने पर छात्र को सजा दी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल में घुसकर टीचर पर डंडों से हमला, 4 नकाबपोश, हमलावरों की तलाश है जारी। यूपी के बागपत में स्कूल की बस पर फायरिंग, 11वीं के छात्रों ने ही झगड़े में किया था हमला, गिरफ्तार हुए। दिल्ली में एमसीडी पर अंधा बच्चों के साथ घर को सील करने का लगा आरोप, एमसीडी ने वीडियो जारी कर दी सफाई। होली से पहले नकली गुलाल का खेल, दिल्ली में लाखों रुपए का नकली गुलाल पकड़ा गया, 8 मार्च को है होली। यूपी में अजब घटना, बुलंदशहर में तेंदुए को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे में एक शख्स फंसा, आरोप है पिंजरे से मुर्गा चुरा रहा था। यूपी के मेरठ में बन रही इमारत का लेंटर गिरने से हादसा, कई लोग दबे, 5 से ज्यादा की मौत। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ लगे आरोपों पर 7 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी, पुलिस ने दाखिल की है 6,500 पन्नों की चार्जशीट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने होली पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर जारी की गाइडलाइन, 7 मार्च तक बच्चे बुजुर्ग और बीमार न आए मंदिर। भिवानी कांड के आरोपियों के खिलाफ जयपुर में मुस्लिम फोरम ने किया विरोध प्रदर्शन, 16 फरवरी को भिवानी में हुई थी 2 मुस्लिम युवकों की हत्या। पंजाब में इन्वेस्टर समिट के समापन पर बोले सीएम मान, निवेशकों की परेशानियां दूर करने के लिए हर 3 महीने में करेंगे मिनी इन्वेस्टर समिट। एक्ट्रेस भाविनी पुरोहित के साथ वाराणसी पहुंची अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य, बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन पूजन। ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर तुर्की से बनारस लौटी एनडीआरएफ की टीम, लोगों ने किया भव्य स्वागत। यूपी के हाथरस में बोर्ड की परीक्षा देने पहुंची दुल्हन, दुल्हा गेट पर एग्जाम खत्म होने का करता रहा इंतजार। हैदराबाद में सड़क पर एक शख्स को आया हार्ट अटैक, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने सीपीआर देकर बचाई जान। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी की, तनाव में आकर की आत्महत्या, 2023 में अब तक 4 छात्रों ने किया सुसाइड। बाबा रामदेव ने लखनऊ में हजरतगंज से बापू भवन तक किया मेट्रो से सफर, कहा लखनऊ मेट्रो ने सबसे तेज काम पूरा करके बनाया कीर्तिमान। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में जावेद अख्तर ने कहा पाकिस्तान का बनना मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में आरएसएस के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा पाकिस्तान की हालत खराब, मांगने पर मोदी सरकार मदद करे।
एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की न्यू इंडिया की बात। न्यू इंडिया में चल रही है आधुनिक ट्रेन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने की हिंदुस्तान की तारीफ। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, भारत फॉलोअर नहीं लीडर है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में बोले, केजरीवाल सिसोदिया को 48 घंटे में गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। देश की पहली रैपिड रेल जून से होगी शुरू। दिल्ली के सराय कालेखां से मेरठ तक चलेगी रैपिड रेल। 25 स्टेशन वाले इस सफर में लगेंगे कुल 45 मिनट। दिल्ली पुलिस ने होली से पहले नकली गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। लाखों रुपए का नकली गुलाल बरामद किया गया। महाराष्ट्र में प्याज के दामों में गिरावट। सोलापुर के एक किसान को 512 किलो प्याज बेचने पर मिले सिर्फ 2 रुपए। लद्दाख में बर्फ के बीच स्कीइंग की मस्ती जारी। द्रास में स्कीइंग का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। बीएसई सेंसेक्स 141 अंक टूटकर 59,467 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे टूटकर 82.74 रुपए पर बंद हुआ। श्रीलंका ने भारत के अडानी ग्रुप की 2 प्रोजेक्ट को लगाने की मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं में 44 करोड़ डॉलर से ज्यादा का होगा निवेश। 5 दिन के ब्रेक के बाद आज टीम इंडिया इंदौर में पहुंचेगी। 3 दिन तक टीम तीसरे टेस्ट की करेगी प्रैक्टिस। 1 मार्च से शुरू होगा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इंदौर में होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर। पैट कमिंस की मां बीमार है और इसलिए वो अभी वापस नहीं लौट रहे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भारत के खिलाफ इंदौर टेस्ट में खेलेंगे। तीसरे टेस्ट से पहले कैमरून ग्रीन उंगली की चोट से पूरी तरह उबरे। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, पूर्व क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दक्षिण अफ्रीका की विमेन टीम ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया। पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम। 26 फरवरी को होगी खिताबी जंग। आईपीएल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स की करेंगे कप्तानी। सड़क हादसे की वजह से ऋषभ पंत इस साल नहीं खेल रहे। आईपीएल की तैयारी के लिए शिखर धवन पहुंचे मोहाली। पंजाब किंग्स का मोहाली में लगा है कैंप। 31 मार्च से शुरू होगा 2023 का आईपीएल। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक का टेस्ट में नया रिकॉर्ड। सिर्फ 9 टेस्ट पारियों के बाद 800 रन बनाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बने। अपनी आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में फैंस को नए लुक में दिखेंगे आयुष्मान खुराना। एक्टर ने रोल के लिए घटाया 8 किलो वजन। सलमान खान की टाइगर 3 में होगा पठान का जलवा। शाहरुख खान इस महीने शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग। शाहरुख खान करेंगे कैमियो। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मुगलों ने बुरा किया तो गिरा दो ताजमहल और लाल किला। जल्द रिलीज होगी वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। अक्षय कुमार को बड़ा झटका। फिल्म सेल्फी रिलीज होते ही एचडी प्रिंट में हुई लीक। सेल्फी रिलीज के दिन ही पायरेसी का हुई शिकार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ। कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।